देखो आप जो देख रहे हो, आप जो रिवर देख रहे हो, वो साइड जो रिवर है, और साइड है हम लोग का गंगा रिवर, ठीक है, हुगली रिवर। एंड आप जो इस साइड देख रहे हो, ये साइड है हम लोग का बांग्लादेश से, बांग्लादेश से ये रिवर आ रहा है, ठीक है। ये रिवर, दोनों रिवर एक ही में मिक्स हो रहा है, देख सकते हो, ये इसका प्लस पॉइंट है। सो इस रिवर का नाम है जलंगीर रिवर, जो कि यार बांग्लादेश से आ रही है, ठीक है, और वो अपना हुगली रिवर, इसका नाम है जलंगीर रिवर और वो अपना हुगली रिवर। तो अभी सिंह कुछ ऐसा हो रखा है, देख लो। नेक्स्ट टाइम से यार गोप्रो ही लेके आना, तब तक एडजस्ट करो, और बस कुछ ही नहीं यार, देख सकते हो यार, यही रीज़न है यार हिच हाइकिंग का, यही खोज रहा था, यही सोच रहा था हिच हाइकिंग कब करूँ, चेकिंग कब करूँ, और आखिरकार यार हिच हाइकिंग पहला ही चेकिंग कर लिया, और एक्सपीरियंस तो यार एक नंबर यार एक्सपीरियंस, देख सकते हो, ठीक है। शायद क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वैसे बीच में मिलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उधर पर ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था और मैं कैमरे से वीडियो शूट किया हूँ, तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं हूँ, बताया नहीं हूँ आप सबको। तो मैं दो तीन पॉइंट है मैं आप सबको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करते हो, तो उधर पर आप सबको बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे खाने के लिए लेकर, तो उधर पर 30 रुपये से स्टार्ट है, आप 30 रुपये का भी टिकट ले सकते हो, 40 रुपये का ले सकते हो, 50 रुपये का ले सकते हो, 60 रुपये का ले सकते हो, ठीक है। मैं 30 रुपये का टिकट लिया था, तो मेरे को मिला था, सबसे पहले मिला था मेरे को खिचड़ी मिला था, उसके बाद मेरे को चटनी मिला था, और उसके बाद मेरे को राइस मिला था, उसके बाद दाल मिला था, उसके बाद से फिर बैंगन की सब्जी मिली थी, जो कि यार बिल्कुल ही फ्रेश खाना था। अगर आप बाहर खाओगे तो आपको पता है कि फ्रेश खाना रहेगा कि नहीं रहेगा बाहर में, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप टेम्पल के अंदर खाना खाते हो तो आप सबको एकदम बिल्कुल ही एकदम गर्मा गर्म खाना मिलेगा। और एक बात, अब जितना चाहो आप उतना ले सकते हो, लेकिन आपको खाना फेंकना नहीं है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, खाना कहीं पर भी खाना, लेकिन खाने को कभी वेस्ट मत करना, ठीक है, फेंकना नहीं। आप दोबारा खाओ तो, लेकिन जितना मन खाया उतना खाओ, लेकिन फेंकना मत, ठीक है, खाने को। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधर पर जाकर बात भी कर सकते हो, आप सबको फ्री में मिल भी जाएगा खाने के लिए। और जो दूसरा सबसे अच्छा बात था वो था आपका जो इलेक्ट्रिक का जो गैजेट वगैरह है, आप सबका फ़ोन कैमरा वगैरह, तो उसके लिए भी अलग से काउंटर था, तो आप काउंटर के अंदर ले आकर जमा करा सकते हो, और फिर आपको अगर पैसा देने का मन है तो दे सकते हो, नहीं देने का मन है तो नहीं दे सकते हो। उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। और जो दूसरा था, आप मंदिर के अंदर जैसे ही एंट्री करते हो तो आप सबको यार जूता वगैरह चप्पल वगैरह आप बहुत सारे लोग रास्ते वगैरह पर खोल देते हैं, साइड वगैरह में रख देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आप सबको काउंटर पर लेकर शूज़ वगैरह जमा करना है। बहुत सारे काउंटर है, आप सबको खोजेंगे तो आप सबको मिल जाएगा काउंटर, तो वहाँ पे जाके आप अपने काउंटर पे जाके आप अपने जूता या चप्पल को जमा देना, और उसके लिए कोई चार्ज वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, आपका जो मन है आप देना, नहीं मन है न देना, ठीक है। সার্টিফিকেট দাওয়ার বিষয় আছে, এটা কি আছে? হাজবেন্ড ওয়াইফ হলে ম্যাচ আই কার্ড লাগে, ম্যাচ আই কার্ড লাগে, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অথবা ম্যাচ আই কার্ড, স্ত্রীর ভোটার কার্ডে স্বামীর নাম থাকতে হবে, ঠিক আছে। নো নো, আমি একটু জাস্ট এখান থেকে একটু ছবিটা তুলে নেব।
तो वैसे यार आप अभी जितना भी रूम देख रहे हो ठीक है, ये सब जितना भी रूम है, इस रूम का वन नाइट का 100 रुपये पड़ रहा पर पर्सन। और आप इस एक रूम में 4 पर्सन रह सकते हो, किसी एक का आईडी प्रूफ के साथ आपको इधर रहने का बुकिंग मिल जाएगा। तो अगर आप इधर पर रहना चाहते हो तो फिर आकर रह सकते हो ठीक है। तो ये जो जगह पर हम आए हैं इसका नाम है बल्लाल सेन का टीवी। ये जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर लिखा है बंगला में कि सेन का जो राजत्व काल था उस टाइम ही इसको चल रहा था, उस टाइम क्या क्या स्ट्रक्चर था उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और ये जो इसका खनन कार्य जो हुआ था वो 1982 से 1983 से 1988 टू 1989 तक, मतलब इतने दिनों तक ये चला था। उसके बाद ये खनन कार्य इसका कंप्लीट हुआ था और उसमें क्या क्या निकला था जो कि बहुत बड़ी बात है। उसमें से बहुत सारी तरह की मूर्तियाँ निकली थी
और ये पूरा माटी का मानुष मतलब होता है कि मिट्टी का जो होता है ना, मिट्टी को पूरा के उसके बाद उससे स्ट्रक्चर मतलब एक पूरी तरह से आपका कह सकते हैं कि ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस तरह का कुछ चीज़, कुछ तरह का पुरानी जीनिस, पुरानी क्या बोले उसको, पुरानी तरह का मिट्टी का चीज़, और उस टाइम जो जो इस्तेमाल किया जाता था घरों में वो सब चीज़ यहाँ से निकला गया था। और ये जगह अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, इसका कोई एंट्री फी नहीं है और कोई टाइमिंग नहीं है, ऐसे ही खुला है, आओ देखो घूम जाओ। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। I was wrong to say.